हेलो स्टारियन, हम सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक का पहला टॉपिक हेलो एल्केन और हेलो एरीन डिस्कस कर रहे थे, और इस सीरीज में पिछले वीडियो लेक्चर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एल्केन से हेलो एल्केन बनाने के तरीके देखे, एल्कीन से बनाने के तरीके देखे, और उसी में आगे और कुछ रिएक्शन जोड़ते हैं। तो बात करते हैं एल्कीन की। एल्कीन प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन, इसको HBr के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में? परऑक्साइड, ये ध्यान में रखना है। परऑक्साइड कैसे पहचानते हैं? परऑक्साइड को OO बॉन्ड, कहीं ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये कैसा हो गया? परऑक्साइड लिंकेज। तो परऑक्साइड की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो ये कौन सा रूल फॉलो करेगा? बिल्कुल सही, ये NTM एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो करेगा। और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल में क्या करते थे हम? इस पाई बॉन्ड को तोड़ के यहां डॉट डॉट बनाते थे, और जो लेस स्टेबल डॉट होता था, लेस स्टेबल वहां पे BR जोड़ते थे और स्टेबल वाले से H जोड़ते थे। तो इस तरीके से यहां आपका प्रोडक्ट हो जाएगा CH3CH बॉन्ड CH2, जो आपका मोर स्टेबल डॉट था वहां क्या जुड़ेगा? H, और जो लेस स्टेबल है वहां क्या जुड़ेगा? BR। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, किस रूल के अकॉर्डिंग? एंटी मार्कोनिक ऑफ। याद रखेंगे HX में केवल HBr, वनली HBr, यही परऑक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट देता है। HF और HCl नहीं दे पाते, क्योंकि परऑक्साइड फ्री रेडिकल जनरेट नहीं करा पाता। वन ऑफ द रिएक्शन स्टेप इज हाईली इंडोथर्मिक, बहुत ज्यादा हीट की जरूरत होती है, और HI आसानी से ब्रेक होता है, लेकिन IDOT जो बनता है उसकी साइज बल्की होती है। IDOT मिलकर I2 बना लेते हैं, तो एल्कीन पे अटैक नहीं हो पाता। तो केवल HBr के केस में ये बात लागू होगी और टर्मिनल हेलो हमको मिल जाएगा। फिर दूसरा रिएक्शन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एलिलिक सब्स्टिट्यूशन। एलिलिक सब्स्टिट्यूशन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बगल का कार्बन, ये एलिलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन। तो ये प्रोपीन है, इसको हैलोजन के साथ हायर टेम्परेचर पे, इनर्ट सॉल्वेंट नहीं, हायर टेम्परेचर पे जब रिएक्ट कराते हैं तो इससे डॉट बनता है, हैलोजन से Cl डॉट बन जाता है। ड्रेस्टिक कंडीशन हो गई एच न्यू डेल्टा परऑक्साइड रेडॉक्स वाला, और इस डॉट का फेवरेट साइट जो होता है ये एल्केन वाला पार्ट, ये अल्फा वाला पार्ट। तो यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा, एच निकलता है, यहां डॉट आता है, देखिए ये रेजोनेंस स्टेबिलाईज होगा, क्या होगा? रेजोनेंस स्टेबिलाईज होगा, तो इजिली रिप्लेस हो जाएगा, और इस तरीके से ये CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2Cl बन जाएगा। क्या कहेंगे आप इसको? एलिल क्लोराइड। अच्छा, एक बात, अगर यहां अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो ये रिएक्शन नहीं होगा। फर्दर, अगर आप इसी रिएक्शन को लो टेम्परेचर रेंज में, रूम टेम्परेचर के रेंज से थोड़ा ऊपर कराना चाहते हैं, तो आप एक खास रिएजेंट यूज करते हैं। कौन सा रिएजेंट? आपको याद कराया था, NBS, N ब्रोमो सक्सीनामाइड। इससे भी समझना है BR डॉट मिल जाएगा, और ये भी उसी तरीके का रिएक्शन कराएगा। ये प्रोपीन है, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन, ये NBS से क्या मिल जाएगा आपको? BR डॉट, और ये BR डॉट इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो यहां फिर क्या मिल जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 BR, और ये एन ब्रोमो सक्सीनामाइड जो है अब सक्सीनामाइड में बदल जाएगा, तो CH2 CO और NH हो जाएगा। तो हमको ये पार्ट याद रखना है। अब आइए एप्लीकेशन एक दो देख लेते हैं। यहां पर साइक्लोहेक्सीन है, बगल का कार्बन, ये इसके पास दो हाइड्रोजन, ये अल्फा, बगल का कार्बन, दो हाइड्रोजन अल्फा डैश कह दीजिए। क्लोरीन के साथ हीट कर रहे हैं आप, तो अगेन आपको समझना होगा कि ये क्या बनाएगा? Cl डॉट, और डबल बॉन्ड पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, कहां रिएक्शन होगा? अल्फा पे।
और अगर डिफरेंट होते तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी से डिसीजन लेते, लेकिन दोनों सेम है भैया, तो कहीं पर भी आप लगा दोगे तो ये ऐसे बन जाएगा, यहां पे सीएल आ जाएगा और नीचे भी लग सकता है। अच्छा, यही काम एनबीएस के साथ करोगे आप तो भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे रिएक्शन, सीएल की बजाय यहां क्या लग जाएगा, बीआर लग जाएगा। याद रखते, अगर यहां हैलोजन और इनर्ट सॉल्वेंट होता, हैलोजन और सीसीएल फोर होता, तो ये पाई बॉन्ड टूट जाता और तब सीएल और सीएल एंटी माइनर में जुड़ जाते। तो अगर यहीं पे हैलोजन और सीसीएल फोर होता तो ये इस तरीके से पाई बॉन्ड तोड़ देता और ये सीएल और सीएल का एडिशन हो जाता। तो ये हैलो एल्केन के प्रिपरेशन एलिलिक सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बातें हो गई। थैंक यू।